तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने से उत्साहित बनारस की मुस्लिम महिलाओं ने क्षेत्रीय सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से राखी बनाकर भेजी है। इस नेक काम को उस मुस्लिम मौलानाओं ने सराहा तो कुछ ने इसे सस्ते प्रचार का तरीका बताया है। राखी बनाने वाली मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन तलाक जैसी कुप्रथा को ख़त्म करवाया वह केवल एक भाई ही कर सकता है। अपने भाई के लिए हम बहनें अपने हाथों से राखी बनाकर भेज रही हैं। राखी के ऊपर मोदी की फ़ोटो लगाई गई है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने हमारी दयनीय हालत को ख़त्म किया है। आने वाली महिलाएं भी तीन तलाक से बच सकती हैं। इसी कारण हम लोगों ने यह पवित्र बंधन राखी भेजी है। राखी बनाने वाली रामापुरा की हुमा बानो का कहना है, मोदी ने तीन तलाक जैसी कुरीति को ख़त्म करवाया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद होने के साथ ही देश की सभी मुस्लिम महिलाओं के बड़े भाई हैं। अपने भाई के लिए हम बहनों ने राखी तैयार की है। उन्होंने कहा कि जैसा अभी तक अच्छा काम हुआ है वैसे आगे भी होता रहेगा। तीन तलाक को लेकर खौफ के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारे मन से तीन तलाक का खौफ कम हो गया है। आने वाले समय में सारा डर खत्म हो जाएगा। समाज सेवी हुमा बानो ने कहा, राखी पाक रिश्ता बनाती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, भाई बहन का नायाब रिश्ता होता है। मोदी ने हम लोगों के दर्द को समझा है, तीन तलाक से मुक्ति दिलाई है। पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं को उन्हें राखी भेजनी चाहिए। मौलाना इससे बेवजह नाराज हो रहे हैं। यह एक प्रेम बंधन है, यह बहुत पाक बंधन है। बुरे वक्त में मोदी जी ने हमारा साथ दिया, इससे बड़ा उपहार हमारे लिए क्या हो सकता है। धन्यवाद।